दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। स्त्री के साथ संसार व्यवहार यदि करना हो तो बल का प्रयोग नहीं बल्कि स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। कई बार किसी शारीरिक समस्या या किसी और परेशानी के कारण महिलाओं का संसार व्यवहार करने का मन नहीं होता है। ऐसे में कभी भी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी परेशानी को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में ऐसी ही एक कथा का वर्णन मिलता है। क्या है वह कथा, आइए जानते हैं। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दशार नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ यदि संसार व्यवहार करना हो तो बल का प्रयोग नहीं बल्कि स्नेह का प्रयोग कीजिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। आखिर वह राजा था, पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नज़दीक गया। ज्यों ही उसने पत्नी का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वो दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन क्यों होने लगी। पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था, वह जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक हैं। और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज तेज आध्यात्मिक कण अधिक हैं, इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी बल्कि आपसे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ, कुलटाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा ने कहा, अरे तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया। रानी ने कहा, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ये ख्याल आ ही जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दे दो। रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान आदि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया, फिर शिव मंत्र देकर अपनी शांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कौवे राजा के शरीर से निकल निकल कर पलायन कर गए। काले कौवे अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं, आत्म परमात्म प्राप्ति की योग्यता भी निकलती है, व्यक्ति जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो
निगुरे मन सुख लोगे की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीर के कुसंस्कार व काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का ग्लास होठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं, ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया था। सुमति कुमति सबके उर रही। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है। तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः पुरुषार्थ यह करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ परकाष्ठा तक, परमात्म प्राप्ति तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।